सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, जिसे लेकर एक छोटा सा अपडेट आया है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, स्पाइडरमैन के सेकेंड पार्ट की रिलीज डेट ऑफिशियल कंफर्म कर दी गई है। और अगर जिन्हें नहीं पता इसकी रिलीज डेट क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं, इसकी रिलीज डेट है 5 जुलाई 2019। तो अब हो सकता है कि एमसीयू की टीम स्पाइडरमैन के सूट पर काम कर रही हो, इसलिए हमें स्पाइडरमैन के नए सूट का लुक देखने मिला डिज्नी लैंड के पोस्टर में, जिसमें सबसे पहला पोस्टर था हमारे आयरन मैन का, जहां पर हमें दूसरे सुपर हीरोज भी नजर आए। तो डिज्नी लैंड का ये थीम पार्क है पेरिस, कैलिफोर्निया और हांगकांग में। तो आयरन मैन की आप इस इमेज को देख रहे हो, ये पार्क है पेरिस में। और दूसरी इमेज है वास्प की, जिसमें हमें एंटमैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और भी दूसरे सुपर हीरोज नजर आते हैं। वेल, इन दो इमेजेस में तो इतनी खास चीज नहीं है, लेकिन जो तीसरी इमेज है स्पाइडरमैन की, जिसका थीम पार्क कैलिफोर्निया में है, उसमें हमें एक अच्छी डिटेल मिली। तो शायद स्पाइडरमैन का ये लुक स्पाइडरमैन 2 का है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें इस सूट में काफी ज्यादा डिटेलिंग मिली है। और अगर आप नजर डालो इसके फर्स्ट पार्ट वाले सूट पर, जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था, तो वो इस सूट से काफी ज्यादा अलग है। और उस सूट में हमें स्पाइडरमैन का लोगो स्पाइडर काफी छोटा नजर आया था, और इस इमेज में ये स्पाइडर काफी ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ हम स्पाइडरमैन के उस सूट पर अब उन स्पाइडर वेब्स की लाइनों को भी काफी क्लियर देख सकते हैं, जो हमें इसके पहले वाले सूट में नजर नहीं आई थी। तो एक हिसाब से अब एमसीयू ने इस सूट को काफी ज्यादा अच्छा बनाया है। वेल, इस सूट को लेकर आपकी क्या राय है, इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। Till then, bye.